समस्तीपुर जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हुई। वहीं आदर्श परीक्षा केंद्र पर सभी स्टूडेंट को टॉफी देकर केंद्र के अंदर प्रवेश कराया गया। वहीं शिक्षकों के हड़ताल के बीच भी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा शुरू हुआ। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित हो, इसके लिए बिहार बोर्ड ने नियमित शिक्षक और अनुदानित कॉलेज और स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षक के लिए नियुक्त किया गया। आज से मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगा। वहीं परीक्षा के पहले दिन विज्ञान विषय की परीक्षा शुरू हुई। परीक्षार्थी की संख्या अधिक होने के कारण दो पाली में परीक्षार्थी को बांटा गया है। प्रथम पाली 9.30 से 12.15 और दूसरी पाली दोपहर 1.45 से 4.30 बजे तक ली जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रथम पाली में 9.20 और दूसरी पाली में 1.35 तक अंतिम प्रवेश किया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित है। समस्तीपुर से रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।